नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार के बाद बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को टूटना नहीं है, उसके सही कारणों को समझकर और सबक सीखकर हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है और आगे चलकर सत्ता में जरूर आना है। वह इसके बाद बात करें अखिलेश यादव की, तो यूपी चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यूपी की जनता को हमारी सीटें ढाई गुनी और मत प्रतिशत डेढ़ गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम को छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय हुए हैं। वहीं जीत के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जश्न का माहौल है। भगवंत मान प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वहीं पंजाब की जीत को आम आदमी पार्टी यादगार बनाने में जुट गई है। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। भगवंत मान आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को न्योता देने दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं बताया जाता है कि भगवंत मान शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें पोल के जरिए पंजाब के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सारे विरोधियों को चौंका दिया। वहीं बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। प्रचंड जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी पहली बार किसी पूर्ण राज्य में सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। शपथ ग्रहण समारोह भी जल्द होने की खबर है। वहीं चुनाव हार चुके सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज चंडीगढ़ में अपना इस्तीफा सौंपने राजभवन जाएंगे, तो वहीं भगवंत मान केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंचेंगे और उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करके इतिहास रच दिया है। इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को 41.29% वोट हासिल हुए, जबकि समाजवादी पार्टी को 32.3%। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उन्हें 12.88% वोट मिले हैं। दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट पर करीब 1,00,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी की इस जीत ने इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के अभी भी हर दिन 4,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,194 नए केस सामने आए और 255 लोगों की मौत हो गई। वह इस महामारी को मात देते हुए कल 6,208 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बताना चाहेंगे कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 6,208 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 42,219 हो गई है और इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,15,714 हो गई। वहीं आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,24,26,328 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और अगर दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में अभी कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना के 212 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि किसी कोविड मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में संक्रमण दर अब भी 0.56% पर बरकरार है। बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में अब तक वायरस के जो संक्रमित हुए लोगों की जो संख्या है वो बढ़कर 18,62,467 हो गई है, जबकि कारण मरने वालों की कुल संख्या जो है वो 26,140 पर बरकरार है।
चार राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक भव्य रोड शो करेंगे, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 4 लाख लोग करीब जुटेंगे। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केके न्यूज़।